हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी में इन अवर हनीकॉम बुक में 47 स्टैंडर्ड पोयम है हमारी द रिबेल। रिबेल का मतलब होता है विद्रोही, जो हर किसी के खिलाफ होता है उसे कहते हैं रिबेल। व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। जब किसी के बाल, जैसे कि हर कोई जो बाल होते हैं वो छोटे रखता है, तो रिबेल जो होता है, जो विद्रोही होता है, वो क्या करता है, जो अपने बालों को बड़े रखता है। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो जिसके बाल लंबे होते हैं, तो जो रिबेल होता है वो अपने बालों को छोटा रखता है, मतलब उन लोगों से वो इतना अलग रहता है कि पूछो नहीं। When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. लेकिन अब जब lesson चल रहा होता है school के अंदर, तो तब वहाँ पर क्या होता है कि जो rebel होता है वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, जब वहाँ पर lesson चलता होता है, सब बातें करते होते हैं, तब rebel वहाँ पर चुप रहेगा। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. लेकिन जब वहाँ पर lesson चल रहा होता है, जब teacher पढ़ा रही होती है, ठीक है, सब बच्चे चुप होते हैं, तभी जो rebel होता है वो क्या करता है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस करता है, मतलब परेशानी वहाँ पर लेके आता है, परेशान करता है सबको। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in a fantastic clothes. जब हर कोई यूनिफॉर्म में आता है, तब रिबेल कुछ ना कुछ कोई अलग तरह के कपड़े पहनकर आता है। When everybody wears a fantastic clothes, the rebel dresses soberly. लेकिन जब हर कोई फैंटास्टिक कपड़े पहन के आता है, तो ये कुछ और ही अलग से ही कुछ पहनकर आ जाता है। In the company of a dog lovers, the rebel expresses a preference for a cats. लेकिन जब वहाँ पर जैसे कि कहीं पे बातें चल रही होती हैं डॉग्स की, ठीक है, डॉग लवर जो जिसको बहुत डॉगीज पसंद आते हैं, कोई कहेगा मेरे पास ऐसा डॉग है, मुझे इस तरह के डॉग अच्छे लगते हैं, तब अपने रिबल एक्सप्रेस किस तरह से करेगा, कैट के बारे में कहेगा। वहाँ जहाँ पर डॉग के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पर ये अलग सा ही कुछ लेकर आता है, तो कैट के बारे में वहाँ पर बोलने लग जाता है। In the company of a cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. लेकिन जब वहाँ पर इकट्ठा होके कैट के बारे में कुछ बोलते होते हैं, तो जो रिबल होता है वो क्या करता है कि डॉग के बारे में कुछ अच्छा कहता होता है, ये इस तरह से बताता है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for a rain. जब बहुत मतलब बारिश वगैरह बहुत होती है, तो हर कोई कहता है कि काश कि सन आ जाए, सन उग जाए, ठीक है। लेकिन जो रिबेल होता है कि नहीं, ये जो बारिश हो रही है ये सही है, ऐसे ही होने दो बारिश को, हमें बारिश ही चाहिए। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of a sun. अब जब बहुत सारी बारिश आती, तो हर कोई कहता है कि नहीं काश बारिश होती, ऐसा कहता है। लेकिन जो रिबेल होता है, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि नहीं बारिश क्यों, काश अगर सन आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at a home and reads a book. जब हर कोई मीटिंग के लिए जाते हैं, तो जो rebels क्या करता है कि घर पे बैठा रहेगा और बुक्स जो होती है वो रीड करते रहेंगे। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. और हर कोई जब घर पे रहता है, बुक्स वगैरह रीड करता है, तब rebel का ये मन क्या होता है कि नहीं अब मैं बाहर जाऊँगा मीटिंग के लिए। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. जब हम किसी को कहते हैं कि yes please, हाँ अपने ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तब ये कहेगा, तब rebel क्या कहेगा, no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. जब कोई कहता है कि नहीं thank you, तब rebel क्या कहेगा, yes please. It is very good that we have a rebels. You may not find it very good to be one. कभी कभी लगता है कि नहीं रिबल्स होनी चाहिए, ताकि हमें थोड़ा हंसने का मौका तो मिले एटलीस्ट, कि कोई अब हर कोई अच्छा रहेगा और एक बुरा रहेगा, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो मज़े आने चाहिए। आई होप कि जो ये छोटी सी पोयम थी द रिबेल के बारे में, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वो दूसरों से कुछ अलग ही बनना चाहता हो, इस तरह से इस पर बताया गया। जैसे कि आपके मम्मी पापा जो आपसे कुछ कहते हैं, ठीक है, कि आपको ये करना है, लेकिन वो चीज़ आप करते नहीं हो, तो कुछ ये पोएम है समझ में आ गई होगी।